अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अब जैसे मैं अपना शाम से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आजकल शाम को ही मोबाइल खाली मिलता है, नहीं तो पूरा दिन बच्चे लोग की पढ़ाई चालू रहती है तो शाम ही वो मिलता है, वो भी 6-7 बजे के बाद ही मोबाइल मिलता है। तो मैं सोची हूँ कि अब वही टाइम, मतलब जो भी शाम से करूँ, अपना वीडियो बना लूँ। अभी नहाई हूँ, 1 घंटा हुआ है मेरे को नहाई। यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी तो मैं शुरुआत है गर्मी की, अभी आगे तो और भी कितना गर्म होगा पता नहीं, क्योंकि बम्बई की गर्मी बहुत गंदी गर्मी होती है। इतनी गर्म, ज़्यादा गर्म होती है कि पूछिए मत, हालत ख़राब हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म होती है यहाँ। अभी शुरुआत है तो इतना गर्म होता है एकदम, मतलब पंखे का हवा भी, पंखा भी चालू रहता तो ऐसा लगता है कि पंखा चालू ही नहीं है, बहुत गरम गरम हवा पंखे से भी देता है। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नहीं हुए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो देखकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी जा रही हूँ खाना बनाने, शाम का नाश्ता वास्ता तो हो गया है, तो खाना बनाऊंगी अभी रात का, कुछ सिंपल ही बनाऊंगी, क्योंकि मसाले वाली आज कई दिन से खाली मसाला ही मसाला वाला खाना हो रहा है। तौफीक आराम से, तो कई दिन से आज मसाला ही मसाला वाला हो रहा है। दोपहर में भी बनाई थी दाल चावल, अम्मी बोली थी आलू का भरता बनाने को, कोई चोखा बोलते कोई भरता बोलते, तो हम लोग भरता बोलते आलू का, तो ही बनाई थी दाल चावल भरता था, और भाजी भी था नाश्ते में, बनाई थी सब्जी बनाई थी उसकी, हाँ सब्जी बनाई थी, और किसी चीज़ की बनाई थी उतना याद नहीं है मुझे, लेकिन सब्जी बनाई थी या रोटी बनाई थी नाश्ते में, तो था। तो दाल चावल बना दी, आलू का भरता बना दी, मिलाकर हो गया। अभी भी कुछ सिंपल ही बनाऊंगी, सुबह में भी बनाई थी ना तो मसाले वाली सब्जी बनाई थी, तो वही था। दोपहर में वो भी हो गया, 2-3 आलू का भरता बना दी थी अम्मी के लिए, भरता मेरे बच्चे लोग तो खाते नहीं है, अम्मी के लिए बनाई थी, तो मैं, मेरी अम्मी और निकट खाए थे, बाकी सब जो सब्जी था वो खा लिए थे। तो चलिए फिर दिखाती आपको अभी क्या बनाऊंगी खाने में। तो ये पालक आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो अभी इसको पहले मैं प्याज और हरी मिर्ची फ्राई कर ली थी, उसके बाद उसमें आलू डाल के 2 मिनट आलू को फ्राई करी हूँ। उसके बाद जब आलू फ्राई हो गया तो फिर ये पालक डाल दूँगी। एकदम सिंपल सा भाजी बना रही हूँ मैं, ज़्यादा कुछ बर्तन नहीं, बस आलू प्याज हरी मिर्ची फ्राई करके उसमें आलू डाल देने का, आलू थोड़ा फ्राई हो जाता है उसमें पालक डाल के मिला के ढक देने का, पानी खुद ही छूट जाता है। ये पालक पहले मैं धोई थी, 2-3 पानी से धो ली थी, उसके बाद इसमें निकाल के फिर थोड़ा इसमें पानी डाल के छोड़ दी थी। एकदम सिंपल सा आज खाना बन रहा है, क्योंकि कई दिन से खाली मसाला मसाला हो रहा था, बस सोची सिंपल सा भुजिया बना लूँ आलू पालक की। और निकट बनाई थी आज नाश्ते में कांदे की भजिया, निकट ही बनाई थी, मैं नहीं बनाई थी, तो कांदे की भजिया थी, चाय थी, यही सब आज नाश्ते में सब किए।
अभी इसको ढक दूंगी, ढक के अपना धीरे धीरे गलते रहेगा क्योंकि पालक में पानी बहुत छूटता है। अब इसको इसी तरह मैं ढक के रखूंगी। तौसीफ लाके दे पहले। तो अभी तो सब्जी चढ़ा दी हूँ, सब्जी बन रहा है। जब तक मैं चाय का थोड़ा शाम के नाश्ते का बर्तन है वो धो लेती हूँ, क्योंकि फिर जाकर ये करूँगी ना थोड़ा थोड़ा कर करके ना खाना पकते हुए पकते पकते बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएगा। तो अभी धो लूँगी, जब तक सब्जी बन रहा है जब तक वो सब धो लूँगी। आप देखिए पानी कितना सारा छूट गया, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए सब्जी, पानी कितना ज्यादा छूटा है इसमें। बहुत ज्यादा पानी छूट गया। अभी इसमें टमाटर काट के डाल दूंगी, दो टमाटर काट के डालूंगी। जब टमाटर गल जाएगा तो फिर नमक डालूंगी, क्योंकि इसमें ना जब अभी नमक डाल दूंगी ना तो अंदाज नहीं मिलता है, क्योंकि पानी रहता है सूखने के बाद इतना सा हो जाएगा, तो इसलिए बाद में डालूंगी पानी बोल रही हूँ। सूखने के बाद नमक डालूंगी, बोलने को कुछ मुँह से निकल जाता है, मतलब पानी अगर सूख जाए, पानी सूख जाएगा तो जाके नमक डालूंगी। अभी अगर डाल दूंगी ना तो कुछ ज़्यादा अंदाज नहीं रहता है। चलिए फिर, गर्मी तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूछिए मत, क्या बताऊँ गर्मी को लेके। अभी पहले मैं टमाटर काट के इसमें डाल देती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। देखिए दो टमाटर ली हूँ, इसको काट के डालूंगी इसमें। पहले धो लेती हूँ इसको धो ली हूँ। बहुत लोग टमाटर डालते भी नहीं है, वो अपना अपना पसंद है टमाटर डालिए या नहीं डालिए। टमाटर तो खुद मेरे को खुद ही डॉक्टर मना किया है खाने को, क्योंकि टमाटर में बारीक बारीक बीज रहता है, इसमें पथरी का शिकायत है मुझे, तो इसलिए डॉक्टर मना किया। लेकिन कहाँ दिल मानता है, टमाटर नहीं डालू तो कोई मजा ही नहीं आता है सब्जी में, इसलिए मैं तो डाल देती हूँ। लेकिन पथरी वाले को बीज वाला चीज डॉक्टर मना किए रहते हैं, क्योंकि बीज वाला चीज नहीं खाना चाहिए पथरी वाले को, जिसको पथरी है। लेकिन मैं डाल देती हूँ, क्या करने का, कितना परहेजी करेगा, जितना आप परहेजी करोगे ना उतना ज्यादा आपको दुख पकड़ेगा, इसलिए मैं कोई भी चीज का परहेजी नहीं करती हूँ। देखिए टमाटर डाल दी इसमें, अभी इसको फिर ढक दूंगी मैं, ढकती हूँ। तो डाल दी टमाटर डाल के ढक दी। आपको भी भिंडी हुआ, टमाटर हुआ, मतलब बारीक बीज वाला हर चीज डॉक्टर मुझे मना किए हुआ है कि पथरी है मत नहीं खाने का, लेकिन मैं कभी नहीं करी कभी, मतलब अभी। चलिए फिर बर्तन धो के आपसे मिलती हूँ। देखिए सब्जी मेरी बन गई है, देखिए इसमें नमक भी मैं बाद में डाल दी थी जब थोड़ी तैयार हो गई थी सब्जी। तो अभी ये तो बन गई है, अभी रोटी बनाना है मुझे। देखिए आटा सानी हूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही आज बनाऊंगी। चावल दाल है, ये पालक आलू की भाजी ना, सब दाल चावल ही में ज़्यादा खाते हैं। तो रोटी बनाऊंगी इसके अप्पा के लिए, तौसीफ के लिए, अम्मी के लिए, क्योंकि इसके अब्बा भी रात को चावल नहीं खाते, तौसीफ भी नहीं खाता और अम्मी भी मेरी नहीं खाती है। तो रोटी बस तीन लोग के लिए बनाऊंगी। तो सब्जी बन गई है, अभी रोटी बनाऊंगी, फिर सब बच्चे लोग को खाना दूंगी, खाना खा लेंगे। और वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ अभी, और
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नहीं हुआ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, प्लीज वीडियो देखकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, फिर एक अच्छी सी वीडियो लेकर आपसे मिलती हूँ।